हास्यतकलिक हास्यतंबकलिक दिशितकलिम दां दां दां। हाँ जी जी मालिक जी, मेरे मालिक तुमसे कह रहे हैं, ये जो लड़का आपने उल्टा लटका रखा है ना, इसने हमारे मालिक के मालिक मालिक के मालिक मालिक के मालिक की बेटी को छेड़ा था। हमने इसे पकड़ने की खूब कोशिश की और ये हमारे एरिया से फरार हो गया। हमें नहीं पता था तू ऐसा करेगा। हमारी फेंकी हुई रोटी खाने वाला कुत्ता, हमें नहीं पता था आगे चलकर हम पर ही भौंकेगा। क्या सोचकर तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात करी? अरे मालिक, मुझे नहीं पता था आप मुझसे बात कर रहे हो, नहीं तो मैं आपसे ऊंची आवाज में बात क्यों करता? मैं सोच रहा था कोई मुझसे मजाक कर रहा है, इसलिए मैं आपसे उल्टा सीधा बोल गया। मुझे माफ कर दो मालिक, गलती होगी मुझसे। किसी ना किसी से तो गलती होनी चाहिए, नहीं तो फिर औरों को कैसे पता चलेगा गलती करने का अंजाम क्या होता है, क्या सजा दी जाती है गलती करने की। ठिकाने लगाओ इसको, और इसके बारे में थोड़ी देर बाद सोचते हैं इसके साथ क्या किया जाए। इसको इतनी आसान मौत नहीं दी जाएगी, इसके बारे में सोचना पड़ेगा क्या करना है इसके साथ क्या नहीं, क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरी लड़की को किडनैप करके। हाँ? चलो इसे बाद में देखते हैं। बच्ची, बता ले माँ को, यू मार देगा माँ को। चब्बा, कहाँ पे है तू? चब्बा, अब ऐसे बैठो रहेगा, कुछ सोचेगा भी, छपरी कैसे बचानो कैसे ना बचानो, तेने फसवा तो दियो। अब पता ना वह बेचारे के संग का कर रहे होंगे, कहाँ ना कर रहे होंगे, कुछ प्लानिंग व्लानिंग बना है वह बचाने की। ऐसा शांत बैठने से थोड़ी काम चलेगा है, तू तो ऐसे बैठो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ आइडिया वाइडिया लगा वहाँ को, कैसे बचाया जावे कैसे ना बचाया जावे, तू तो शांत बैठो यार है। तेरे नेक कहने पे तैयार है वो छपरी सब वो किडनैप करने को, और तेरा हक पूरा बने वह बचाने को, हाँ कैसे ना कैसे करके बचावा है। सगरी तेरी गलती है, तेरी बजाते फंसो छपरी। हाँ ना तू वाकू ऐसे आइडिया दे तो, और ना वाके संग ऐसा हो तो आज। माधर चोद, चपरी चपर चपरी चपर, बोली जा रो, मेरी क्या गलती है या मैं, या बात बता मेरी क्या गलती है या मैं, तेरी गलती है सगरी। ना तू सब से प्यार करता, ना सब आज तेरी सेटिंग होती, और ना यू आज नौबत आती। हाँ? तुम्हारा तो दिल टूटा पड़ो, तुम्हारे दिल के टुकड़ा टुकड़ा है रे, क्योंकि अब सबों की शादी और कहीं है रही है, तुम ते ना है रही, और तुम्हारी जोड़ में इतना दम है ना, जो सबों के पापन पे डायरेक्ट जाके कह दो कि मैं सबों से प्यार करता हूँ और शादी भी मैं ही करूंगा सबों से। अगर तुम सबों के पापन पे डायरेक्ट ऐसे जाके कह दी तो वो तेरी सूखी गांड मार लेंगे, तो यह बात को डर है यार भी कर रहे, गांड भी फट रही है। तेरी वजह से फंसो सपरी, तेरी वजह से, ना तू सबों से प्यार करता और ना तो कोई आज दुख होता कि सबों की शादी है रही और कहीं। मोटे कह रो तेने फसवा दियो छपरी, तेरा हक बने वा पूरा पूरा वा छुड़ाने को। चल मैंने मान ली मेरे ऊपर फसो छपरी, पर बुलाया तो तेने हूँ है, तेने तो आइडिया दियो वा को सबो किडनैप करवाने को। हाँ? ना तू बातें ऐसे कह तो सबो किडनैप कर, और वाके पापन ने धमकी दे के इतना खोका चाहिए इतना फोका चाहिए है, तेने तो आइडिया दियो यू सब। और वो इतना चूतिया जो नेक देर में तेरे बहकाए में आएगा पैसा के चक्कर में। सबो बचा ले मगो, तेरे पापा मगो मार देंगे, बचा ले मगो तू। यो कह के गए तेरे पापा भी देखेंगे बाद में, या कोई आगे संग का करना काला करना, मैं खोल दे सबो तो मैं भाग जाऊंगा तेरे घर से। नहीं नहीं मार देंगे तेरे पापा मगो, मैं बचा ले सबो, मैं बचा ले। हाँ तेरे पापा भी एक लड़का ठिकाने लगाने गए और मेरे बारे में यू कह के गए, या बाद में देखूंगा, या ना मेरी छोरी किडनैप करी कैसे, मैं मारेंगे तेरे पापा, मारेंगे का पता ना कैसे मारेंगे, मैं कुछ पता ना चले क्या होएगा, मेरे संग काना होएगा, मैं खोल दे सब, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। कौन ठिकाने लगाने गए? हाँ अभी तेरे पापा ने एक की छाती में ऐसे भटाक से ना गोली मारी है, और वो वहीं के वहीं फैल गया, और वहाँ ठिकाने लगाने गए तेरे पापा। मेरे पापा ऐसे है ही ना, मेरे पापा का ये मार ही ना सके। हाँ? का बात कर रही है तू, सब मार ही ना सके, मेरे सामने मेरी आंखन के सामने भटाक से ना ऐसी गोली मारी है एक की छाती में, उनने एक सेकंड ना सोची या को का होएगा का ना होएगा। पागल है रो तू छपरी, मेरे पापा ऐसे है ही ना, मैं इतनी बड़ी है गई, मैंने तो आज तक ऐसी बात ना सुनी, मेरे पापा ने मर्डर वर्डर भी कर दिए हैं, तू कैसी बात कर रहा हो छपरी। हाँ मैं यू बात तो मानू, अगर पापा का इतना गुस्सा है जाना तो बात यू तो कह दें कि आज के बाद तू मेरे घर पर झांकियो मत कभी भी। हाँ कभी मत झांकियो, नहीं बहुत बुरा है जाएगा। हाँ? 2 साल पहले की बात है, एक लड़का ने मेरे में आंख मार दी स्कूल में, तो मैंने यू बात पापा ने जाके कह दी अपने ने, तो पापा ने वो लड़का घर पे बुलाया, फिर पापा ने मैं बुलाई, मोते पूछी के देखियो सबो बेटा यू ये वो लड़का जो ने तेरे में आंख मारी कही, तो फिर मैंने पापा ने कह दी कि हाँ यू ये पापा यू ये यही ने मेरे में आंख मारी स्कूल में।
तो फिर पापा ने मुंह दिखाई कि बेटा तू अपने रूम में जा, मैं सुधारूं आया भाई। तो फिर मैं रूम में चली गई। फिर मैंने थोड़ी देर बाद पापा से पूछी कि पापा क्या करो तुमने वो लड़का के संग। तो फिर मेरे पापा ने मुंह को बताया कि मैंने बातें ऐसे कह दी, मेरी लड़की की आंखन के सामने आज के बाद आ मत जाइयो कभी। और दो कान पे भी लगा दी गई है पापा ने। तो तब ते आज तक वो लड़का मुझे दिखो नहीं है। हाँ? बोलिए तो सब बिल्कुल है बुद्धि ना, तो मैं तो दिख ही कहां से जाएगा, वो भी मार दिया होगा तेरे पापन ने। अरे मेरे सामने एक खून कर दिया तेरे पापन ने है, और तू सोच रही है वो छोड़ दिया होगा लड़का, वो भी मार दिया होगा, यही मारता तो दिखो ना आज तक, तू समझ के बना रही है बात है। थोड़ी देर में आने वाले होंगे तेरे पापा, वहाँ ठिकाने लगा के हम मुहे पता ना कैसी मौत मारेंगे, मुहे बचा लिया तो सब यही रही मेरे ढीप। ए छपरी तू खामखा डर रहा, खामखा तेरे संग कुछ ना होएगा, तू तो उल्टा यहाँ मारे लटकाए गए हो, क्योंकि तेने में किडनैप करी ना, किडनैप करने को नाटक करो तेने मेरे संग, यही मारे पापा ने तो उल्टा लटका दियो, यही मारे सजा मिल रही तो उल्टे लटकने की। अब थोड़ी देर बाद तेरे हाथ पैर ने खोल कर तोते कहेंगे पापा के बेटा आज के बाद ऐसी गलती मत करियो, कुछ ना रखो इनेबल में, तो बड़े प्यार से समझा के घर भेजेंगे। ऐसा मोह ना समझ लो, प्यार व्यार से मोह को तू ही खोल दे, मैं घर भाग जाऊंगा अपने। नहीं नहीं तेरे पापा पता ना मेरे संग क्या करेंगे। अरे मेरी प्यारी बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? पापा पहले एक बात बताओ, तुमने अभी काई में गोली मारी? का गोली? हाँ यू बता रहा जो ने मैं किडनैप करी काई। अरे बेटी तू कैसी बात कर रही है, मैं किसी में गोली क्यों मारूंगा? है तू ही सोच, मैं किसी में गोली क्यों मारूंगा? मैंने तो ये बंदूक बस दिखाने के लिए रख रखी है, किसी पे चलाने के लिए नहीं रख रखी, बस डराने धमकाने के लिए रख रखी है ये बंदूक। ये झूठ बोल रहा है क्योंकि हमने इसे 2-3 घंटे से उल्टा लटका रखा है ना, इसलिए ये झूठ बोल रहा है। जो तू मेरे पे गुस्सा हो जाए, चल बेटी कमरे में जा, मैं इसे थोड़ा डरा धमका के घर भेज देता हूँ, और इससे ये भी कह दूंगा आज के बाद मेरी बेटी की नजरों के सामने आ मत जाना कभी। हाँ इतना धमकाऊंगा याकू, इतना धमकाऊंगा फिर यू कभी ना दिखेगा तेरी नजरों के सामने। इनकी बातों में मत आना, आप इधर ही रहो, हाँ कहीं मत जाना यहाँ से, आप इधर ही रहो, नहीं तो यू मेरे को टपका देंगे। हाँ अगर ये मेरे को मार भी देंगे तो मैं आज के बाद आपकी नजरों के सामने आई कैसे जाऊंगा, तुम ही सोचो इस बात को। चुप बदतमीज, क्या नाप सना बोल रहा है तू? एक तो मेरी बेटी को किडनैप करके बड़ी बड़ी धमकी देता है, अब यहाँ पे आंसू टपका रहा है, बचेगा नहीं तू आज। तुझको बड़ी से बड़ी और खतरनाक से खतरनाक सजा दी जाएगी, जो आज के बाद तू मेरी बेटी को किडनैप करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। जा बेटी तू अपने रूम में जा। ठीक है पापा, ठीक है। सब मज़ा कहीं मज़ा यू मगु मार देंगे। यू मगु मार देंगे। दोबारा बोले ये बात मेरे से, एक खोका खोका चाहिए ना तेरे को, खोका अगर मैं खोका नहीं लाया तो तू मेरी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ता है नहीं? कैसे बात कर रहे हो तुम, क्यों ना छोड़ते मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा? मोबाइल पे तो हर कोई धमकी दे देता है, अब धमकी दे के दिखा। गंजे फटाफट जा और एक धारदार चाकू ले गया। सब में पहले इसकी जवान को ही काटते हैं, बहुत चल रही थी ये चपर चपर, बहुत धमकी दी जा रही थी इस जवान से, पहले इस जवान को ही ठिकाने लगाना पड़ेगा, बाद में देखी जाएगी फिर इसके साथ क्या करना है। जा जल्दी। ए धनवा ऐसा भी तो हो सके, सबो के पापा ने छपरी छोड़ दिया हो, खाना पीना खवा के आराम से घर पे भेज दिया हो, हम खामो खा के टेंशन ले रहे हूं। ऐसा भी तो हो सके छपरी की एक टांग उत्तर में और एक टांग दक्षिण में पड़ी हो। वो कोई रिश्तेदार उनको जो वह खाना पीना खवा के अच्छी तरह से खातिर पानी करके आराम से घर पे भेजेंगे। सबो किडनैप करी माने सबो, चल बेशक माने नाटक करो सही, हमें ये तो पता माने नाटक करो, पर वहाँ के पापा ने तो यू ही लगो होगा कि हाँ सच में सबो किडनैप कर लिए आने, और तू ना जाने वहाँ के पापा कितने खतरनाक है। अगर सबो के पापा इतने सीधे होते, इतनी गलती करने पे छपरी आराम से खाना पीना खवा के प्यार से घर पे भेजते, तो अब तक मैं उनके घर पे चलो जाता सबो को हाथ मांगने। अगर इतने सीधे होते ना सबो के पापा, मैं तो अब तक घर पहुंच जाता और सबो के पापा ने कहता कि मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, इसके लिए तो मैं जान भी दे दूंगा और शादी भी इससे ही करूंगा। अब चाहे तुम्हें ये बात बुरी लगे या भली लगे, मैं साफ साफ तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूँ, प्यार करता हूँ सबो, तो यहाँ की शादी और गाय तो होना जानी चाहिए, मोते होगी शादी, मोते सिर्फ मैं बनाऊँ यहाँ के लिए, ऐसा कह देता मैं अब तक सबो के पापा ने। इतनी गाल काई को फटती मेरी, बहुत खतरनाक है वहाँ के पापा, बहुत खतरनाक, तू ना जानो उनके बारे में जितना मैं जानू। तो मतलब हमें प्लानिंग बनानी पड़ेगी कुछ और, तो ऐसा का करो ना जो छपरी बचा ला में हम। तेरे पास रहे मैं आइडिया, मैं तो बोला बुद्धि हूँ। आगो आइडिया आदम जल्दी। एक काहुलिया बना दो मेरे, कैसे कहीं सर्कस में जा रहे हैं और कब पुरानी सकली लेकर जाएगा वहाँ पे, अगर उनने तू पहचान लियो पुराने भेष में और तू तो यू कह लगे कि यू लड़का तुम वहाँ भी मिलो और तू यहाँ का कर रहा हो, यह बात बता पहले मेरे को, फिर का करेगा तू। हाँ सही कह रहे हो तू, बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें अलग वेशभूषा में जाना चाहिए वहाँ पे, कहीं हमें पहचान ले में और वहीं पे हमें भी गेलने पकड़। ए मैं तो तेरे जोकर सा बना दे, और तू का बन के जा रहा हूँ? मैं बन के जा रहा हूँ मोला, पता का बन के जा रहा हूँ मैं, जल्दी चलने वाले ढंग। ए मैं नाटक कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारी बेटी किडनैप न करी, तुम्हारी बेटी के दोस्त को मैं दोस्त हूँ, मैं नाटक कर रहा हूँ, मैंने किडनैप न करी तुम्हारी बेटी।
आज का प्रसिद्ध कचकन कमन चर्चा के तेजी से कर चक्र छे जी सर जी आठ वैकेशन एक हम कचकन खाए से खा जी सर जी।